Assalamualaikum, Namaste, Sastriyakal. Welcome back to your YouTube channel. This is me, Saima Pirzada, and you are watching Saima Pirzada Reaction Channel. कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है, और मेजर गौरव आर्या जी जो है वो आलिया शाह से जो है वो बात कर रहे हैं, डिस्कश कर रहे हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी जी के बारे में. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अच्छा, वीडियो का टाइटल मैं आप लोगों को बता देती हूँ. टाइटल है, इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी जी. वाओ, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी इज द बॉस ऑफ इंडिया. सो यस, कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो बॉस तो कहलाएंगे ना बॉस. सो एनीवेज, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड हाँ, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहां से आप देख सकते हैं. मोदी जी इज द बॉस. इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी. आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन. हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो छोड़ दे, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट. इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा. मैं आपको अभी बता दूं, मैंने बोला अभी था पिछले मेरे इंटरव्यू में कि अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में क्या है कि जो आपके आर्मी चीफ है ना, वो बात करते हैं स्टेट्समैन के जैसे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं. तो देखिए, क्या बात ये हो गई ना आलिया जी की. देखिए, जब 370-35 से हटा, आपने ट्रेड की बात से शुरू करी थी कि ट्रेड दोनों मुल्कों में, ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है. सबको पता है कि जिस दिन वाघा के दरवाजे खुले, Within 15 to 20 days, पाकिस्तान में महंगाई हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी. Within 15 to 20 days, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा. तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इम्पोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन आपके जो फूड आइटम्स हैं उनकी काफी हद तक कीमत गिर जाएगी. 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप हमें हमारे साथ ट्रेड करिए. आपने बोला ठीक है, आपकी मर्जी. फिर कुछ दिनों के बाद खान साहब ने बोला कि चलो दवाइयाँ तो दे दो हमें, तो हमने बोला वो भी आपकी मर्जी. कल आप बोलेंगे कि इसकी ट्रेड कर लो, तो आपकी मर्जी. आपको बंद करना है पाकिस्तान को, ट्रेड हमारे साथ बंद करनी है पाकिस्तान की खुशी, पाकिस्तान को ट्रेड करना है वो पाकिस्तान की खुशी. लेकिन इसमें एक और चीज है, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी यूनिलैटरली. इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का MFN का स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया इंडिया को. चलिए, अब तो बात पुरानी हो गई, लेट्स नॉट गो बैक इनटू हिस्ट्री, वो खत्म, एक चैप्टर हो गया. मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद करी, व्यापार बंद करा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापार बंद करा भारत के साथ, वो पाकिस्तान का यूनिलैटरल डिसीजन था. वो इमरान खान नियाजी का डिसीजन था कि भारत के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370-35 से बहाल नहीं होता. फिर उन्होंने दवाई मांगी, जैसा मैंने बोला, तो हमने बोला दवाई का कर लो ट्रेड, कोई दिक्कत. अगर कल इंडिया कहता है कि चाहे कुछ हो जाए अब हमने कर दी नहीं अगले 100 साल तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड, आप देखिए पाकिस्तान में भी हाल क्या हो रहा है आलिया जी, कि आपकी 70% या 60% इकोनॉमी जो है आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी है पाकिस्तान की ज्यादातर. इसके बावजूद भी पाकिस्तान इज अ नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स. आप लोग अनाज जो है, आपकी दाल, आपके आपके जो गेहूं है, गंदम है, ये सब ये आप इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से, एक ऐसे मुल्क में जिसमें 70% किसान हैं, जिसमें खेती बाड़ी होती है. तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता. तो बात यह है कि मैं ये देखता हूँ कि अगर पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, एज एन इंडियन, एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, अगर आप मेरे सामने बोलेंगे कि आप, और ये बड़ा आपको मेरा अटपटा सवाल लगेगा लेकिन ये मैं दिल से बोल रहा हूँ और सच बात बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे सामने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये चारों को रखेंगे और बोलेंगे कि आप एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आप किस पर भरोसा करते हैं,
तो मैं चारों को अलग रख के मैं बोलूंगा मैं जनरल बाजवा पे भरोसा करता हूँ, और उसका रीजन है, मैं कारण बताता हूँ आपको। भारत से दुश्मनी करना या भारत से दुश्मनी रखना, भारत से लड़ना, वो जनरल बाजवा का फर्ज है। तो अगर जनरल बाजवा भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स हिज जॉब। ये अमन का फाख्ता उड़ाने के लिए उन्होंने वर्दी नहीं पहनी है, उन्होंने जंग लड़ने के लिए वर्दी पहनी है, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए वर्दी पहनी है, तो वो तो उनका काम है ना। तो व्हाई शुड आई से दैट ही इज अ बैड पर्सन बिकॉज ही इज डूइंग हिज जॉब? नो, वो अपने लिए अच्छे हैं, हम अपने लिए अच्छे हैं। पर जैसा मैंने पहले भी एक शो में बोला, वो बंदा दोगला नहीं है। दुश्मनी है तो है, दोस्ती है। देखिए, ही इज वेरी क्लियर। अभी वो नवंबर में चले जाएंगे, नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, एंड ही हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तुम ऑफर भी करोगे, मैंने मना ही करना है, तो अभी समझ लो मैं कोई और आर्मी चीफ आ जाएगा, अब जो भी आ जाए आर्मी चीफ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी कैन नॉट एंगेज विद जनरल बाजवा डायरेक्टली। हम जनरल बाजवा के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ डेमोक्रेसी वी वुड लाइक टू एंगेज विद द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। और मेरी नजर में पाकिस्तान में अगर कोई एक बंदा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो जनरल बाजवा है। बाकी ये देखिए, आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने गलत काम नहीं करे, पाकिस्तानी आर्मी ने कई गलत काम भी करे हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ भी लगाए, सब कुछ। मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी फौज की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं ना थोड़ा सा घूम के आपको जवाब देता हूँ, तब शायद मैं समझा पाऊँ। जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आप तो जियो पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन व्यूअर्स शायद ना फॉलो करते हो। अक्सर पाकिस्तानी ये हमसे कहते हैं कि यार जो आपके डॉक्टर जयशंकर है ना, कमाल का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, भारत की कमाल की डिप्लोमेसी है। और ये पाकिस्तान अक्सर कहते हैं कि रशिया से तेल भी खरीद रहा है, S-400 भी खरीद रहा है, अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर साहब, ये लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात कॉम्पिटेंस की नहीं है यहाँ, और मैं बात थोड़ी सी इमोशनल करूंगा, और ये प्रैक्टिकल भी है। इमोशनल बात भी आ लिया जी, और ये प्रैक्टिकल बात भी है, और मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर के सामने शाह महमूद कुरैशी इतने फीके क्यों लगते हैं? ये इमोशनल बात है, ये जज्बाती बात है, लेकिन ये सच है। इनको अपने मुल्क से ना, शाह महमूद कुरैशी को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इनको चाहे मेरी बात का बुरा लगे, इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं। ये तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम है, आपने भी शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि बात ये है कि अगर इमरान खान ये बोले कि एटम बम गिर जाए पाकिस्तान पर, लेकिन ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? मतलब एक बंदे की बेरोजगारी पूरे मुल्क में आग लगा दी है, एक बंदे की बेरोजगारी, और पूरे झूठ पे मबनी, कंप्लीट लाइज। ये आप जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, उस बंदे के पास चार तो कपड़े हैं, एक सूटकेस है, एक दो बेडरूम का घर है अहमदाबाद में, वेयर इज ओल्ड मदर लिव्स। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपनी बोरी बस्ता बांध के अहमदाबाद चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये जो है ना, ये बैरागी टाइप के लोग हैं। इनके पास कोई वेल्थ नहीं है, इनके पास कोई चमकती हुई घड़ियां नहीं है हीरे की, इनके पास कुछ नहीं है। ये खाने भी ऐसे खाते हैं कि आपको लगता है कि मतलब कि बिल्कुल सादा खिचड़ी खा ली, थोड़ा सा ये खा लिया, ऐसा इनका खाना है। ये टोटली डेडिकेट, इसमें देखिए सबसे पहले, ठीक है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी तब भी अच्छी थी जब इंडिया में भूख से लोग मर रहे थे। अली जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहता है ना, भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत का बहुत पैसा है, ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे, हमारा 68 टन सोना, उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट का पत्थर बांध लिया, हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम 1991-92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए IMF के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है, या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है
ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं, ऐसा दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे होंगे, वो डन, दैट इज ओके, बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी ड्यूअल नेशनलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहाँ पे घर है, इसका ये घर है। इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में यहीं में मरना है, और ये जज्बे का फर्क है, ये जज्बे का फर्क है। मुझे एज अ हिंदू मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, मैं कभी किसी मस्जिद के अंदर नहीं गया जी, मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपके परमिशन हो। ये प्रॉफिट मोहम्मद के मॉस्क में जाके ये नारेबाजी कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हाउ कैन यू डू दिस। मतलब कि ठीक है, आप बाहर आके गोली मार दो यार बंदे को, आपको गोली मारनी है गोली मार दो यार, अंदर तो बदतमीजी, यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। एंड इतना एज अ हिंदू हु हैज नेवर एंटर्ड अ मॉस्क, मैं कभी मस्जिद के अंदर गया नहीं, मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ठीक है, लेकिन इतनी अकल तो मुझे भी है। और जो रियासत है मदीना बनाने की बात कर रहे हैं उनमें इतनी सूझबूझ नहीं है। यही कहना दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बात की गई है, और लास्ट वाला पार्ट बहुत जबरदस्त था जिसमें मैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट कर रहे थे, वो आर्मी को और स्पेशली अमर बाजवा को कर रहे थे कि भाई उन्होंने जो है वो अपनी कंट्री के लिए वॉर कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, देखो यार, कोई भी आर्मी फौज का बंदा होता है तो वो आता ही आर्मी में इसलिए है ताकि वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर सके, अपनी कंट्री के लिए जो है वो लड़ सके, अपनी कंट्री को सेफ कर सके। तो वही चीज़ें आज हमें इस वीडियो में भी देखने को मिली हैं कि मेजर साहब ने काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया है इस बारे में। और बाकी वैसे नॉर्मली अगर बात की जाए कंट्री के हिसाब से तो इमरान खान की बड़ी मतलब कि वो खिलाफ नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं तो इमरान खान की सही वाली कर देते हैं। क्योंकि देखो इमरान खान के स्टेटमेंट भी तो आ रहे थे ना कि भाई कुछ भी हो भले बर्बाद हो जाए ख़त्म हो जाए, लेकिन ये PMLN जो मतलब मुस्लिम लीग नून है वो दोबारा से नहीं आनी चाहिए। तो वही चीज़ें हमें देखने को भी मिली हैं कि वाकई में मुस्लिम लीग नून जो है उसको वापस आने के लिए मतलब वो चार अभी भी रोड पे इतने जलसे हो रहे हैं, आए दिन होते रहते हैं, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। साथ में नरेंद्र मोदी जी की बात की है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनका दो रूम्स का घर है जिसमें उनकी मम्मा रहती हैं, ओल्ड है, ओल्ड रूम है जिसमें वो शायद अहमदाबाद में है, आई थिंक इन्होंने अहमदाबाद का नाम लिया था, तो उसमें रहते हैं। और जो है अगर वो मतलब यहाँ से चले जाते हैं PM की पोस्ट से तो जाहिर सी बात है वो वहीं पर स्टे करेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होकर, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर होकर उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया यार। मतलब उनकी सैलरी वगैरह कैसे, क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं कि उनका पुराना सा घर है तो इसका मतलब ये कि उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं बनाया। हालांकि हमने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके तो अपने सेपरेट इतने अच्छे अच्छे घर होते हैं, जब उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटते हैं तो वो वहाँ पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे माहौल में इतने टाइम से रह रहे होते हैं लग्जरी माहौल में, फिर उसके बाद अचानक से वो जाते हैं तो फिर उनको वहाँ पर भी लग्जरी माहौल ही चाहिए होता है, वरना स्टे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई डोंट नो कि क्या होगा, वाकई में ही मैं तो सरप्राइज हूँ कि यार नरेंद्र मोदी जी वाकई में ही बॉस हैं, सीरियसली यार। और उनकी माँ जो है वहाँ पर रहती है माता जी, और उनके पास जाएंगे कह रहे हैं, और बाकी खाना वगैरह भी कह रहे हैं बहुत सिंपल सा खाते हैं, खिचड़ी, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है स्पेशली मेरे लिए कि एक प्राइम मिनिस्टर इतना सादा खाना खाते हैं। और मैंने एक बार ये भी सुना था कि वो अपनी पॉकेट से पैसे लगाते हैं खाने के, तो आई डोंट नो कि कितने हद तक सच्चे हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना था, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये किस हद तक सच है। बाकी मज़ा आया वीडियो देखकर, तो यही कहूँगी कि यार वीडियो तो अच्छा था और काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की गई है, और यहाँ की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात की गई है कि भाई अपनी कंट्री से प्यार करो, मोहब्बत करो, कंट्री के लिए कुछ करो, और आर्मी तो बनती ही अपने दुश्मनों से वॉर करने के लिए है, लेकिन जाहिर सी बात है दुश्मन नो से करने के लिए, पड़ोसियों से करने के लिए नहीं है। पड़ोसी अगर दुश्मन बन जाए तो फिर जाहिर बात है उनसे भी करना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक तो कोई ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है।
एंड लास्ट में बस यही कहूंगी कि ये वाकई में ही हमारी एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो सारा उसी से ही हमारा पूरा कंट्री अभी चल रहा है, क्योंकि बिजनेस तो कोई है नहीं, ना कोई मल्टीनेशनल कंपनीज आकर बिजनेस कर रही हैं और ना ही कोई और कंपनीज जो है वो हमारे साथ बिजनेस कर रही हैं इस वक्त, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था और बस यही कहूंगी कि भाई अपनी कंट्री में डेवलपमेंट इनको करनी चाहिए और बिजनेस को फ्रॉग करना चाहिए जो कि अभी ज़रूरत है, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरा श्रीलंका बनने में देरी नहीं लगेगी। तो खैर इसके अलावा आप लोग बताएं कि आप लोगों के एरिया में मौसम कैसा हो रहा है। यार वैसे एक बात है, यहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों को मेरी हालत देख के भी पता लग रहा होगा, और गर्मी के साथ साथ जो है वो मौसम भी, रात में तो हवा हो जाती है लेकिन सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।